अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल, आप देख रहे हैं माय उर्दू चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको क्यूमोबाइल का जो नया मॉडल Q3310 मार्केट में जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में थोड़ी डिटेल देने लगा हूं कि नोकिया 3310 की शोहरत से फ़ायदा उठाने के लिए HMD ने एक बार फिर नोकिया 3310 मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया था। नोकिया की ये नई डिवाइस पाकिस्तान में भी आने वाली है। नोकिया का नया मॉडल 3310 पाकिस्तान में भी आने वाला है। इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए QMobile ने भी Q3310 मुतारफ़ करा दिया है। QMobile का फीचर फ़ोन Q3310 कई तरह से नोकिया 3310 की कापी है। कापी होते हुए भी ये कुछ लिहाज से नोकिया 3310 से बेहतर और सस्ता भी है। नए नोकिया 3310 की जो मार्केट में कीमत है 5,500 रुपये, इसके मुकाबले में Q3310 की कीमत सिर्फ 2,000 रुपये है। Q3310 और नोकिया 3310 का बहुत सा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक जैसा है, लेकिन कीमत की तरह बैटरी के मामले में भी Q3310 नोकिया 3310 से बेहतर है। नोकिया 3310 में 1200 mAh की बैटरी है, जबकि Q3310 में 3000 mAh की बैटरी है। तकरीबन 2 गुना ज़्यादा बैटरी टाइमिंग है। दूसरे फीचर फ़ोन की तरह Q3310 में भी 2.4 इंच की LCD स्क्रीन है। 3310 के बरक्स फ्लैश के बगैर प्राइमरी VGA कैमरा और टॉर्च है। नोकिया के फ़ोन में LED फ्लैश भी होती है, जिसे फ्लैश लाइट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Q3310 की कुछ तफसील इस तरह है। Q3310 का डिस्प्ले 2.4 इंच का है। बैटरी इसमें 3000 mAh की। मेन में कैमरा VGA है, फ्रंट में कोई कैमरा नहीं है। कनेक्टिविटी इसकी 900 से 1800 mHz है। ड्यूल सिम माइक्रो USB 3.5 mm, हेडफोन जैकेट, ब्लूटूथ, और इसकी मेमोरी माइक्रो SD कार्ड से मेमोरी को 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके 4 कलर हैं, ब्लू, ब्लैक, सिल्वर, रेड। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।